हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ ए सेट ऑफ वेक्टर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन देखिए। सबसे पहले डेफिनेशन, लीनियर डिपेंडेंस। ए सेट ऑफ वेक्टर्स, सेट ऑफ n वेक्टर्स ले लीजिए, x1, x2, x3 up to so on xn are said to be linear dependent if there exist some scalars c1, c2, c3 up to so on cn such that c1 x1 plus c2 x2, यहाँ पे आप लिखोगे not all zero, not all ज़ीरो। मीन्स हमने जो ये स्केलर लिए हैं, कांस्टेंट लिए हैं, C1 से Cn, n कांस्टेंट लिए, इनमें से सबकी वैल्यू ज़ीरो नहीं है, नॉट ऑल ज़ीरो। सच दैट C1 x1, C2 x2 प्लस C3 x3 इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ n वेक्टर्स xn इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो n वेक्टर्स को हम लीनियरली डिपेंडेंट कब बोलते हैं? जब हमारे पास n स्केलर लेके चलते हैं, दीज आर नॉट ऑल ज़ीरो, देन हमारे पास आ जाए c1 x1 c2 x2 c3 x3 प्लस अप टू सो ऑन cn xn इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, नेक्स्ट इज लीनियर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंस, ए सेट ऑफ वेक्टर्स, x1, x2, x3 up to so on xn are said to be linearly independent if there exist scalars c1, c2 up to so on cn, all are ज़ीरो। यहाँ भी जो आपके पास है कांस्टेंट, सारे ज़ीरो होने चाहिए। ठीक है, सच दैट c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस अप टू सो ऑन cn xn इक्वल टू ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो लीनियरली डिपेंडेंट जब हम चेक करते हैं सेट ऑफ वेक्टर्स को, तो इसमें जो हम स्केलर यूज़ कर रहे हैं नॉट आर जीरो होने चाहिए। ठीक है, और लीनियरली इंडिपेंडेंस में जो स्केलर हम लेके चले हैं, कांस्टेंट लेके चले हैं, दीज आर ऑल आर ज़ीरोस एंड लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंस एंड लीनियरली डिपेंडेंट। कल क्वेश्चन करते हैं लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के। क्वेश्चन लेके चलते, शो दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस फॉर्म ए लीनियरली इंडिपेंडेंट, कि हमारे पास ये वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये आपको शो करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो वेक्टर हैं हमारे पास। लेट x1 इक्वल टू 1 2 1 एंड x2 इक्वल टू 2 2 0। हमें इनको शो करना लीनियरली इंडिपेंडेंट। देन देयर एग्जिस्ट स्केलर c1 c2 सच दैट, क्या करते हैं हम, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं c1 x1 प्लस c2 x2 इक्वल टू ज़ीरो। हमें इनको लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना है। दैट मीन्स हमें यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा जो कांस्टेंट हम लेके चले ये हमारे इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। x1 की वैल्यू एंड x2 की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे c1 इंटू x1 इज 1 2 1 प्लस c2 इंटू 2 2 0 इक्वल टू ज़ीरो। C1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि ये आपके पास ट्रिपलेट में है तो आप जीरो को भी ट्रिपलेट में लिख सकते हो। ओके, नाउ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे C1 कॉमा 2C1 C1, ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2C2 इंटू ज़ीरो, C2 इंटू ज़ीरो इज ज़ीरो इक्वल टू ट्रिपलेट ऑफ ज़ीरो। अब हम ट्रिपलेट को कैसे ऐड करते हैं? फर्स्ट नंबर ऐड करते हैं, नाउ सेकेंड देन थर्ड, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा इम्प्लाइज दैट C1 प्लस 2C2 कॉमा 2C1 प्लस 2C2 एंड थर्ड इज C1 प्लस ज़ीरो। दिस इज इक्वल टू ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड भी ट्रिपलेट है हमारा, राइट हैंड साइड भी ट्रिपलेट है। इक्वल कब होते हैं? जब फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ दिस ट्रिपलेट इक्वल टू फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ दिस, मीन्स यहाँ से आ जाएगा C1 प्लस 2C2 इक्वल टू ज़ीरो, 2C1 प्लस 2C2 इक्वल टू ज़ीरो एंड थर्ड इज C1 प्लस ज़ीरो, यानी कि C1 इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो सबको कंपेयर करेंगे, दिस इक्वल टू ज़ीरो, दिस इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमारे पास C1 की वैल्यू आ रही है ज़ीरो, C1 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, C2 की फाइंड आउट कर लेते हैं। ज़ीरो प्लस 2C2 इक्वल टू ज़ीरो मीन्स C2 इक्वल टू ज़ीरो। इसे पुट करेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास C1 की वैल्यू पुट करेंगे ज़ीरो, 2C2 इक्वल टू ज़ीरो देन C2 इक्वल टू, दोनों ही केसेज में C2 हमारा ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो स्केलर हमने लिए थे C1 एंड C2 बोथ आर ज़ीरो, ये हमने शो कर दिया कि दोनों हमारे पास ज़ीरो हैं। और यही डेफिनेशन हमारी किसकी होती है? लीनियरली इंडिपेंडेंट की, कि स्केलर जो आप लेके चलोगे दीज आर द बोथ आर ज़ीरो, अगर आ जाते हैं तो आपके बन जाएगा ये लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास जो सेट है, सेट ऑफ वेक्टर्स 1 2 1 एंड 2 2 0 लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द सेट ऑफ वेक्टर्स u v w, तीन वेक्टर्स आपके पास गिवन, आपको लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव करना है, ठीक है। थ्री वेक्टर है u v w, देन हम यहाँ पे तीन स्केलर लेके चलेंगे, ठीक है। लेट c1 c2 c3 आर थ्री स्केलर्स such that C1 U plus C2 V plus C3 W। U की वैल्यू पुट करेंगे हम C1 इंटू 1 3 2 प्लस C2 इंटू V की वैल्यू 1 -7 -8 एंड C3 प्लस W इज C3 2 1 -1 इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको भी हम ट्रिपलेट में ले लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे C1 3C1 2C1 फर्स्ट प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर C2 -8C2 C3 कॉमा -C3 इक्वल टू ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। ऐड कर लेते C1 प्लस C2 प्लस 2C3 सेकेंड कॉम्पोनेंट, इसका सेकेंड कॉम्पोनेंट है आपके पास -7C2 एंड इसका सेकेंड कॉम्पोनेंट है C3, ठीक है। लास्ट कॉम्पोनेंट इज 2C1 -8C2 -C3 दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। इम्प्लाइज दैट C1 प्लस C2 प्लस 2C3 इक्वल टू ज़ीरो। एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी -C2 प्लस C3 एंड नेक्स्ट इज -C3 इक्वल टू ज़ीरो। अब हमें यहाँ से C1 C2 C3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दो इक्वेशंस ले लीजिए, जैसे हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस कर लेते हैं। C1 प्लस C2 प्लस 2C3 इक्वल टू ज़ीरो, 6c1 माइनस 14c2 एंड यहाँ से आ जाएगा 2c3 इक्वल टू ज़ीरो। माइनस करेंगे, कैंसिल, देन माइनस 5c1 प्लस 15c2 इक्वल टू ज़ीरो, c1 माइनस 3c2 इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से c1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3c2। ठीक है, c1 की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं और हम यहाँ से c2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, c3 है कि, तो यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू 3c2 पुट कर रहे हैं, दिस इज़ 9c2 माइनस 7c2 प्लस c3 इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, देन c3 की निकाल लेते हैं 2 में, c1 की आ जाएगी, c3 की आ जाएगी, थर्ड इक्वेशन में पुट कर लेंगे, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2c2 प्लस c3 इक्वल टू ज़ीरो, देन c3 इक्वल टू माइनस 2c2। नाउ c1 एंड c3 दोनों की वैल्यू c2 में फाइंड आउट कर ली, हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, देखते हैं क्या इसको सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ रहा है थर्ड इक्वेशन है 2c1 माइनस 8c2 माइनस c3। अब इसे पुट करके देखते हैं, c1 की वैल्यू 3c2, 2 इंटू 3 इज 6, c2 माइनस 8, यहाँ पे 8c2 इज एज इट इज़, माइनस c3 की वैल्यू रखेंगे माइनस 2c2, माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा 2c2। सॉल्व करते हैं इसको, ये माइनस का 8c2, 6 और 2 8c2 माइनस 8c2 इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो हमने c1 और c3 दोनों की वैल्यूज़ रखी थर्ड इक्वेशन में, तो इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, राइट हैंड साइड जीरो आ रही है हमारी, इक्वल टू ज़ीरो इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है। तो वैल्यूज़ हमारी क्या आई, c1 इक्वल टू 3c2 एंड c3 निकाला हमने 2c2। जैसे जैसे हम c2 की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, c1 और c3 डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पे देता जाएगा। ठीक है, तो सबकी वैल्यूज़ जो आपके पास इन्फाइनाइट मैनी वैल्यूज़ आ जाएंगी, c2 की जितनी भी वैल्यूज़ पुट करेंगे c1 c3 की वैसे डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। तो यहाँ पे अब c1 c2 c3 नॉन और ऑल जीरो, जो स्केलर हमने लिए c1 c2 एंड c3 नॉट ऑल ज़ीरो। ठीक है, तो हमारे पास नॉट ऑल जीरो है, तो हमारे क्या हो जाएंगे, वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट आप अल्टर तरीके से भी कर सकते हैं, बाय द मेथड ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि हमारे जो वेक्टर्स हैं लीनियरली डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है। देखिए कैसे करना है, अगर आपके पास वेक्टर्स गिवन है x1 x2 अप टू सो xn, ये आपके पास n वेक्टर्स गिवन है, इसके सेट को आपको लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट बताना है। ठीक है, अभी तक तो हमने किया था कि हमारे पास स्केलर्स आते हैं c1 c2 अप टू सॉन cn। अगर नॉट ऑल जीरो अगर स्केलर निकलते हैं, अगर सारे जीरो नहीं होते तो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। इफ़ c1 c2 इक्वल टू cn ऑल आर ज़ीरो हो जाते हैं तो सेट हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, बट हमें अगर निकालना हो रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकाल के, तो बताना है सेट वेक्टर्स का सेट डिपेंडेंट है कि नहीं है। देखिए कैसे करना है, फॉर एग्जांपल हम ये क्वेश्चन उठा ले लेते हैं, u 3 वेक्टर गिवन आपके पास, लेट u इज इक्वल टू 1 2 0, v इक्वल टू 0 3 1 माइनस 1 0 1, इसको हम w ले लेते हैं। ठीक है, u v w 3 वेक्टर्स गिवन है। इन तीनों वेक्टर्स को आपको अरेंज करना है मैट्रिक्स फॉर्म में एज ए कॉलम। ठीक है, मीन्स मुझे इसकी एक मैट्रिक्स बनानी है तीनों वेक्टर्स की, बट बनानी कैसे है, जो भी वेक्टर्स आपके पास गिवन होंगे उसको एज ए कॉलम अरेंज कीजिए, 1 2 0 0 3 1 माइनस 1 0 1। ठीक है, मैट्रिक्स मिल गई हमें, देन इस मैट्रिक्स का हमें रैंक फाइंड आउट करेंगे। अब रैंक पे और लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का क्या रिलेशन होता है, हमारे पास n वेक्टर्स का सेट है। ठीक है, इफ़ रैंक ऑफ a, अगर हम इन वेक्टर्स से मैट्रिक्स बना के रैंक फाइंड आउट करके अगर चेक करते हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स, रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स आ जाता है। नंबर ऑफ वेक्टर्स मतलब हमारे पास n वेक्टर्स हैं, तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू n आ जाता है। ठीक है, तो सेट ऑफ वेक्टर्स जो हम लेके चले हैं, सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, एंड इफ रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ वेक्टर्स आ जाता है रैंक ऑफ ए, दैट मीन्स लेस देन n आ जाए। रैंक ऑफ ए अगर लेस देन n आ जाता है, क्योंकि मेरे पास n वेक्टर्स है ना, तो रैंक ऑफ ए लेस देन n आ जाएगा। तो सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट। ये है इसका सेकेंड मेथड। रैंक ऑफ मैट्रिक्स से हम निकाल सकते हैं कि सेट लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे भी निकाल सकते हो, माइनर फॉर्म से भी निकाल सकते हो, हमें सिर्फ इसका रैंक फाइंड आउट करना है। ठीक है, या फिर इनको जीरो बना के जितने भी नॉन जीरो रोज आपके पास आती है, आप उससे भी बता सकते हो कि ये आपके पास जो वो क्या बनना है। हम यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, R2 सेकेंड रो, R2 माइनस 2R1। ए मैट्रिक्स किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, 1 0 माइनस 1 0, यहाँ पे माइनस करेंगे हमारे पास, तो यहाँ पे 0, दिस इज़ 3, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 से मल्टीप्लाई किया हमने और इससे माइनस करेंगे तो यहाँ जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, लास्ट इज 0 1 1। इंटरचेंज बाय R3, ए इज़ इक्विवेलेंट टू 1 0 माइनस 1 0 1 1 0 3 2। ठीक है, अब हमें इस प्लेस को 0 बनाना है, तो यहाँ पे हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, R2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 R3 इज़ 3, R3 माइनस 3 R2। ठीक है, R3 में से माइनस कर देंगे, सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करके, तो A मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी 1, फर्स्ट रो इज़ एज इट इज़, सेकेंड आ जाएगा 0, यहाँ पे क्या 1 1 एज इट इज़, देन 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा और इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस किया, तो 2 माइनस माइनस 3 इज़ माइनस 1। ठीक है, अब अगर हम देखें तो इस प्लेस को भी हमें 0 बनाना होता है, बट ऐसा कोई ऑपरेशन, अगर हम यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देते तो हमारी ये 0 ख़त्म हो जाएगी वापस। ठीक है, तो ये हमारे पास बाकी जो नॉन जीरो रोज नहीं बनेंगी, -1 यहाँ पे यही रहेगा। तो नंबर ऑफ़ नॉन जीरो कितनी है, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज ऑफ मैट्रिक्स ए कितनी आ रही है यहाँ पे, 3। ठीक है, तो ये हमने बना ली रो ऑपरेशन अप्लाई करके, रो अकेलन फॉर्म हमने इसकी बना ली है मैट्रिक्स की। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ मैट्रिक्स है, दिस इज़ रैंक ऑफ ए। तो रैंक ऑफ ए हमारा 3 आ रहा है और वेक्टर्स कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, तो वेक्टर्स भी हमारे पास 3 है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3, तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स। और अभी हमने बताया था कि रैंक ऑफ ए अगर नंबर ऑफ वेक्टर आ जाता है तो सेट हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, देयरफॉर सेट ऑफ दिस वेक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसी में आप बता सकते हो एक और फॉर्म से, अगर इसे इसी का कन्वर्स पार्ट कर देते हैं हम, तो क्या आएगा हमारे पास, अगर आपके पास गिवन हो इफ सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट, अगर आपके पास कोई सेट ऑफ वेक्टर्स है और वो लीनियरली डिपेंडेंट गिवन है, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। कैसे आता है, इसी से ले लीजिए, अगर हमारे पास कोई वेक्टर्स दे रखे हैं और कहता है कि लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट दे रखे हैं, दैट मीन्स रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स फॉर्म बाय दीज वेक्टर्स, ठीक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए लेस देन नंबर ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कि हमारे पास 3 वेक्टर्स गिवन है, तो हम मैट्रिक्स बनाएंगे 3 वेक्टर्स से 3 क्रॉस 3 की 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास, ठीक है। तो अगर ये लीनियर डिपेंडेंट दे रखा है दैट मीन्स रैंक ऑफ ए लेस देन होगा नंबर ऑफ वेक्टर, दैट मीन्स रैंक ऑफ ए लेस देन 3। अगर रैंक ऑफ ए अपने ऑर्डर से लेस है क्योंकि 3 क्रॉस 3 की हमारे पास मैट्रिक्स बन रही है, और अगर 3 से लेस है दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ 3 क्रॉस 3 इज़ 0, क्योंकि बाय द माइनर मेथड अगर हम फाइंड आउट करते हैं रैंक तो हम 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, और अगर ये 0 आ जाता है तो रैंक हमारा 3 से लेस हो जाता है। इसलिए आपको सीधा रिजल्ट याद रखना है, इफ सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट दैन डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। क्वेश्चन, फाइंड पी इफ द वेक्टर्स दीज आर लीनियरली डिपेंडेंट। वेक्टर आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट दे रखे हैं, आपको पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दिस इज, ठीक है। तो अभी हम वही रिजल्ट अप्लाई करते हैं, अगर वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है तो हम एक वेक्टर्स की मैट्रिक्स बना लेते हैं, एज ए कॉलम अरेंज करते हैं हम इनको 4 0 3 0 पी, मैट्रिक्स हमारी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है, ठीक है। नाउ वी गिवन लीनियरली, जो वेक्टर्स आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट है, वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, दैट मीन्स रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, और नंबर ऑफ वेक्टर कितने हैं 3, 3 वेक्टर गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए लेस देन 3, दैट मीन्स मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है 3 क्रॉस 3, रैंक ऑफ ए इज ऑल्सो लेस देन 3, इम्प्लाइज दैट माइनर ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 इज 0, माइनर ऑफ दिस मैट्रिक्स, माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 0 आ जाएगा। इम्प्लाइज दैट, माइनर कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट ए क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास 3 क्रॉस 3 की ही मैट्रिक्स गिवन है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि इसका डिटरमिनेंट 0 दे रखा है, तो 1 - 1 3 2 4 0 3 0 पी दिस इक्वल टू 0। एक्सपेंड करेंगे इसको, 1 × 4p - 0 दिस इज 1 2p - 0 प्लस 3 × 0 - 12 इक्वल टू 0, 4p + 2p - 3 × 12 इक्वल टू 0, दिस इज 6p = 36 एंड p = 6, ये वैल्यू आ जाएगी p की, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास वेक्टर्स गिवन होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट दे रखे होते हैं, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है नंबर ऑफ वेक्टर्स देख लेते हैं हम यहाँ से, उससे लेस हो जाता है, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको अप्लाई करना है, इस तरह से आपको क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। तो ये था आपके पास टॉपिक लीनियरली डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस, इसको ट्राई कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।